सो हेलो गाइज, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। और आज है संडे। संडे का दिन हम लोगों ने अपने चैनल पे रिजर्व करके रखा हुआ है गेम्स के ट्रेलर्स के लिए। जितने भी लेटेस्ट गेम्स मार्केट में आए हैं उन सभी के ट्रेलर्स को हम लोग देखेंगे, रिव्यू करेंगे, उन पे रिएक्शन करेंगे। और हाँ, जो भी वॉक थ्रूज है, जो फुल गेम्स है, वो तो मंडे से सैटरडे तक आ ही रहा है आपके पास, तो वो बंद नहीं होगा। लेकिन संडे विल बी रिजर्व फॉर ओनली न्यू गेम्स ट्रेलर्स। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहला ट्रेलर देख के और सबसे पहला गेम देख के। तो चलिए गाइज, हम लोग सबसे पहला गेम का ट्रेलर देखते हैं जो कि है ब्लेड ऑफ डार्कनेस। वाओ, निंटेंडो स्विच, कलर कॉन्ट्रास्ट बहुत ही बढ़िया है इसका। सिंस द डॉन ऑफ टाइम द शैडो ऑफ इविल हैज रेबेल एक्ट गेम। ओनली द लाइट ऑफ द राइटियस कैन रेजिस्ट इट। 20th एनिवर्सरी फेथ एंड पर्सिवियर फाइंड द टेंपल ऑफ लाइट। There, you shall find your answers. Dark powers are... ग्राफिक्स इतना कुछ मेरे को खास नहीं लग रहा है इसमें, मतलब थोड़ा सा यू नो वीडियो गेम टाइप्स जो पहले का आता था वैसा लग रहा है मेरे को। Far Cry 3 भी जब हम खेले थे तो उसका भी ग्राफिक्स कुछ ऐसा ही था, लेकिन हो सकता है ये लोग आगे जाके फिर बढ़ाए गेम का ग्राफिक्स वगैरह, जो एनिमेशन कैरेक्टर्स है, जो एनिमेशन है, वो थोड़ा सा इंक्रीज करे, एनहांस करे। Hordes of orcs, abominations of nature, which offended by their very existence. Come on. Okay, तो ये मेरे को बेसिकली इस तरीके का गेम लग रहा है। कुछ हॉरर तो नहीं है, लेकिन इसमें आपको माइथोलॉजी का थोड़ा सा फील देखने को मिलेगा। और जब आप अंदर जाएंगे गेम के तो वही है, फाइट वाइट है, लोगों को खोजना है, उसको मारना है, सिंपल सा गेम है। कुछ ज्यादा वैसे भसड़ वाला मेरे को लग नहीं रहा है, देखते हैं आगे। वैसे Time is of the essence in your quest. ये मेरे को ना उस समय का फील दे दिया, ये जो अभी हुआ ना, जैसे गेट खुला, वो जब हम स्कूल में थे तो उस समय आया करता था प्रिंस करके एक नाम था, प्रिंस ऑफ पर्शिया करके शायद गेम होता था, प्रिंस ऑफ पर्शिया, मेरे को अच्छे से नाम नहीं याद है, लेकिन प्रिंस करके कुछ गेम होता था, उसमें इसी तरीके का होता था वो, मतलब एकदम पिक्सल्स वाला गेम होता था, पिक्सल्स में उसका कैरेक्टर्स बना हुआ रहता था और जो भी सीनरी होता था, जो बैकग्राउंड होता था, वो सब पिक्सल्स, मतलब फटाफटा बॉक्स टाइप्स का, जैसा माइनक्राफ्ट है ना हमारा, वैसा हुआ करता था। ये भी उसी तरीके का थोड़ा सा मेरे को देखने को लग रहा है। But who will get there first? मतलब पिक्सल्स तो हम पूरा नहीं बोलेंगे, इसमें थोड़ा ग्राफिक्स तो है ऑब्वियसली, यहाँ पे आग वाग का प्रयोग किया गया है। हम थोड़ा सा आपको वो बताएं कि उससे रिलेटेड मेरे को लगा, जो खोला ना तो मेरे को वो चीजें याद आई, जब गेट खुला ऊपर। बेसिकली इस गेम में जितना अभी तक मेरे को देख के लग रहा है कि आपको मतलब जाना है किसी जगह पे, आपको छोड़ दिया जाएगा, वहां पे आपको टास्क दिया जाएगा, उस टास्क को परफॉर्म करते करते आपको बॉस मिलेंगे, मतलब विलेंस मिलेंगे, उनको आप लोगों को मारना है और इसी तरीके से गेम प्रोग्रेस होगा। ब्लेड ऑफ डार्कनेस, ओके, बढ़िया था ये, बढ़िया गेम था, मतलब बढ़िया गेम तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन थोड़ा सा मेरे को ठीक ठाक लगा। लेकिन खेलने के अगर पर्सपेक्टिव से आप बोलिएगा तो ये मेरे को उतना इंट्रीग नहीं कर रहा है गेम कि मैं इस गेम को खेलूंगा ही खेलूंगा, लेकिन देखते हैं आगे जाके क्या होता है। अगर आप चाहते हैं कि ये गेम खेलूं मैं, तो जो भी चाहते हैं आप, जितने भी आज हम लोग ट्रेलर देखने वाले हैं उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है आपको और चाहते हैं आप उसका फुल गेम लेके आऊं मैं आप लोगों के सामने, तो आप जाके नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा वो गेम। और हाँ, वीडियो पे लाइक बटन जरूर से दबाइएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए दूसरा गेम देखते हैं हम लोग। दूसरा गेम है चेंड एकोज। वाओ, ये अच्छा लग रहा है मेरे को, थोड़ा सा आइलैंड वाइलैंड का सीन दिया है ना। ओके, अबे ये तो एकदम वीडियो गेम वाला सीन है यार, मतलब वो निंटेंडो वाला ही खेल है यहां पे।
ये हम लोग नाइटेंडो स्विच वाला ही सारा गेम देख रहे हैं क्या? ये वाला गेम बेसिकली जो चेंड एकोज है, मतलब इस तरीके का गेम मेरे को नहीं पसंद है। मेरे को किस तरीके का पसंद है मैं आपको बताता हूं। मैं वैसे तो सारे ट्रेलर्स हम लोग देखने वाले हैं, लेकिन मैं पर्सनली क्या प्रेफर करता हूँ खेलना, मुझे हॉरर टाइप्स के गेम्स अच्छा लगता है खेलना, फिर वो वॉर वाले गेम्स अच्छा लगता है, स्टोरी काइंड जिसमें होता है, मतलब स्टोरी काइंड स्टोरी जिसमें होता है जिस भी गेम में, वो वाला खेलने में मजा आता है। जीटीए टाइप्स का गेम, रेसिंग गेम्स, ये सभी चीजें मेरे को खेलने में मजा आती हैं। लेकिन ये जो अभी देख रहे हैं इस तरीके का, जो मतलब वीडियो गेम्स जो हम लोग बहुत पहले खेला करते थे, उस टाइप्स का जो गेम होता है ना, वो मेरे को उतना इंट्रीग नहीं करता है। और ये चेंड एकोज ऑलमोस्ट उसी के तरीके का है। नो मैटर हाउ लॉन्ग इट टेक्स, क्या पता पार हो गया। ये बेसिकली उस तरीके का गेम है, मैं आपको बताता हूं, नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, उस गेम का नाम क्या है यार, वो जो हम लोग फोन में खेलते हैं एंड्रॉइड में, अरे क्लैश ऑफ क्लैंस, हाँ क्लैश ऑफ क्लैंस के तरीके का। इसमें आइलैंड वाइलैंड पे हमको लगता है कि जाना है, कब्जा करना है, स्ट्रैटेजी वाला थोड़ा सा मेरे को लग रहा है ये वाला गेम है। ठीक ही ठाक था। ठीक ही ठाक है, एनिमे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन यार वो फील नहीं है मेरे को ना। अगर मैं खेलना चाहूंगा भी तो ये वाले गेम को तो मैं पक्के से नहीं खेलूंगा, बिकॉज इस पे पैसे मैं नहीं लगाऊंगा। आगे देखते हैं चेन डेकोस, चलो बना के तो बढ़िया रखा था। ये कब आ रहा है? कमिंग इन दिसंबर 2022। ऑब्वियसली DECEMBER ही होगा। चलिए नेक्स्ट गेम हमारा शुरू हो गया है, वॉर हैमर 40K इनक्विजिटर मार्टर। बट फेथ अलोन कैन ओवरटर्न द यूनिवर्स। ओ माई गॉड, ये थोड़ा सा फिर साइंस फिक्शन वाला गेम यहां पे। ओ भाई सही लग रहा है ये, देख रहे हैं, ये भी हमको लगता है वैसा ही है, मतलब स्ट्रैटेजी वाला गेम जैसा ही है शायद से, मैं अभी कंफर्म नहीं कह सकता हूं। लेट्स सी। अरे अरे अरे, ग्राफिक्स तो अच्छा है। अ मेंबर ऑफ दी सोरोरिटास हैज ज्वाइंट द इंक्विजिशन। बाप रे बाप, इतना इंग्लिश लिख देते हैं ना इन लोग। ओके ये भी आपका वॉर टाइप का, मतलब स्ट्रैटेजी वाला गेम है शायद। ओके ये भी मेरे को लग रहा है मल्टीप्लेयर टाइप का ही गेम है, मतलब मल्टीप्लेयर क्या, मतलब उसी तरीके का क्लैश ऑफ क्लैन जो अभी इसके पहले देखा हम लोगों ने, चेंड एकोज उसी तरीके का गेम है ये भी। विच हंटर कॉम्बैट मिस्ट्रीज, यूनिक एक्ट्स ऑफ फेथ। ऑल राइट, तो यहाँ पे मतलब पार करते जाना है, आपको टास्क दिया जाएगा, मैप है साइड में, और मैप के हिसाब से ही आपको, मुझे लगता है कि प्लेसेस को खोज खोज के उसके बाद वहां पे आपको राज करना है, वहां पे जितने भी लोग हैं उनको ध्वस्त करना है, जितने भी आपके ओपोनेंट से उनको ध्वस्त करना है, और शायद इसी तरीके से गेम प्रोग्रेस होगा। और फिर मेरे को लगता है कि वहां पे ही अपना
अपना साम्राज्य बनाने वाला सीन है क्या? ट्रांसफॉर्म इंटू एन क्या था पता नहीं। भाई चिड़ैया बिड़ैया तो ये मस्त बन गया है। इंक्विजिटर वार्मर 40 के इंक्विजिटर मार्टायर्स सोरोरिटास क्लास अवेलेबल नाउ ऑन स्टीम। अगर आप चाहते हैं ये गेम खेलना तो आप जाके स्टीम पे परचेज कर सकते हैं, ये अवेलेबल है। अब देखते हैं हम लोग दूसरा ट्रेलर गेम का जो कि मैं बहुत दिनों से वेट कर रहा हूं, जिसका नाम है ओवरवॉच 2। दिस इज नॉट माय विक्ट्री, इट इज आवर्स। इसमें ऑफिशियल रामातारा रिवील ट्रेलर है, मतलब ये जो कैरेक्टर है ना इसका रिवील हुआ है, ये जो सामने आप देख रहे हैं यही कैरेक्टर को रिवील किया है, इसी का ट्रेलर है भाई ओवरवॉच 2 में। ये यही है शायद रामातारा। ओके भाई एक नंबर खतरनाक लग रहा है। फोर्टनाइट तरीके का गेम है ये, फोर्टनाइट पबजी सेम टाइप का, जिसमें आपको बैटल करना है और मल्टीप्लेयर गेम भी है ये। आई वुड ब्रेक बिफोर आई यील्ड। ओ भाई ये तो क्रेजी कर रहा है। बहुत बढ़िया। This is not cruelty. This is justice. Overwatch 2 season 2 begins December 6. 6 तारीख से ये शुरू हो जाएगा। ये Overwatch 2 हम शायद एक्चुअली कंफ्यूज कर गए थे। Overwatch 2 खेलने में हम इंटरेस्टेड नहीं है। जो भी ट्रिपल ए टाइटल्स वाला गेम होता है ना उसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ। अब देख रहे हैं हम लोग Dead by Daylight. Forged in a bygone age of iron and stone, two men shared a common goal. ये जो स्टोरी शुरू हुआ ना, स्टोरी जिसमें होता है वो मेरे को बहुत ज्यादा इंट्रीग करता है, फैसिनेट करता है, एंड मैं कोशिश करता हूं कि वैसे ही गेम्स खेलूं। उसमें ज्यादा इंटरेस्ट बना रहता है यार, मतलब कब क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आएगा उसमें, मतलब लेवल ऑफ इंटरेस्ट जो होता है ना मेरा वो काफी ज्यादा हाई रहता है। Boundaries of our world and discover the secrets that lay beyond. One strove to enhance the virtues of humanity. बढ़िया है, बढ़िया है, ये बढ़िया है। अरे मार दिया भाई। Bloodlust. Their fates intertwined. A harrowing legend was forged. Of betrayal, battle. धोखेबाजी हो गया, guys. And unflinching brutality. Dead by Daylight, Chapter 26, Forged in Fog. Okay, Dead by Daylight, Forged in Fog, Chapter 26. इसको देखेंगे, अभी पूरा समझ में नहीं आया कि ये गेम किस चीज पे आधारित है और इसमें एक्चुअली है क्या। इसका गेम प्ले का हल्का सा अगर ये लोग रिवील कर दे, गेम प्ले ट्रेलर ले आए इन लोग, तब थोड़ा सा समझा जा सकता है। वैसे आगे देखते हैं, आगे और भी सारे गेम्स है, हो सकता है आगे हम लोगों को और भी अच्छा गेम्स मिल जाए। A nightmare to behold, with long sword in hand, many have fallen to the knight's unyielding fury. Donning New ancient killer knight. Bloodstained armor, मार दिया भाई दौड़ के. Possessing strength to carve through limb and bone, his allies serve eternally loyal. भाई the Carnifex, Carnifex, भाई गजब का कैरेक्टर बनाया है ये, कैरेक्टर तो बढ़िया लग रहा है मेरे को. All vigilant, ruthless, and bent on enacting their commander's iron rule. The assassin. Summoned in cyclical rotation at the knight's behest, each brings a unique talent to the trial. Craft strategic. हर किसी का अलग-अलग जो traits है वो बताया है. Pro root,
and issue commands to unleash an ally upon survivors, driving them into unfavorable positions, applying relentless pressure, and cutting down all who stand defiant. Okay. The knight's talents stretch beyond the art of combat. An attentive gaze to catch and punish the cowardly. Okay, तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिसको स्टार्ट या मतलब स्टॉप करना है या कुछ इसी तरीके का चीज हो सकता है उसमें कुछ डेटा वेटा फीड करके और उसको खत्म करके उसको नाश कर देना है या कुछ इसी तरीके का चीज है मतलब कुछ सामान रखा हुआ है आपको उसको स्टार्ट या स्टॉप करके अकॉर्डिंग टू दी कंडीशंस जो भी आपको गेम में प्रोवाइड किया जाएगा आपको गेम में बताया जाएगा कि ये आपको करना है और वो आपको छुप के इन लोगों से मरे बिना करना है. A curse that afflicts. शायद आपको समझ में आया होगा मैंने अभी क्या बोला है. नहीं समझ में आया है तो भावना को समझ रहे हो ना, ट्रेलर देख के समझ जाओ यार. यहाँ पे देखो मारने भाग रहा है पीछे, हम इस चीज को समझा नहीं पाए लेकिन धीरे धीरे सब चीज ठीक हो जाएगा. Victims with bursts of madness. मार दिया भाई. Terror. A fearsome counter-strike for the foolish who dare fight back. मार दिया भाई बहुत तेज. A collection of perks befitting of his calculated cruelty. A voyager from the dark ages, a willing wanderer of realms. New survivor. Vittorio Toscano. Vittorio Toscano. Lord, long faded from the history book. ये आदमी बहुत हीरो है, एक नंबर का हीरो आ रहा है. Once an explorer, driven to unearth the mystic and arcane, his age remains a mystery, as do the symbols adorning his flesh. Who he was, the hardships he suffered, eroded. भाई ये बचाने के लिए आ गया भाई. ये जो मेन विलेन है ये सब कोई को मार रहा था तो ये जो विटेरियो है जो भी नाम है इसका वो आ गया है. अब इसको बचाएगा इस विलेन से सब लोगों को. Yet still he भाई तुमको कौन बचाएगा विलेन? Determined to see his quest fulfilled. मतलब विटोरियो हम विलेन बोल रहे हैं. इसको टांग दिया भाई फिर से. Honed by experience, Vittorio Toscano possesses several unique assets for survival. A keen mind for machinery. देख रहे हैं समझे ना आप, मतलब इसी तरीके का कुछ मशीनरी है इसके पास, इसको यूज करके लोगों को बचाना है. Allows the transfer of progress. देखिए यही मशीन चालू कर दिया, समझे थे ना पिछले बार जो हम समझाए थे. अभी नहीं समझ में आया तो अभी आपको समझ में आया ना कि यहाँ पे इस बत्ती को शायद जलाना था और इस मशीन को स्टार्ट करना था और यही एक टास्क है और इसको करना है आपको बिना मरे हुए. विलेन जो है जो बॉस है इसमें देख लेगा अगर आपको तो वो मार देगा, आपको टोच देगा क्योंकि वो इस चीज को स्टार्ट होने नहीं देना चाहता है. A profound intuition for scouting foes far and wide. Fog-wise. A feat of physical prowess that inspires. लेकिन मतलब यही चीज है क्या, एक वहां पे मशीन को स्टार्ट कर देना है उसके बाद भाग रहे हैं धीरे 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 भाग रहे हैं, उतना मजा तो नहीं है यार. Nearby allies. Quick gambit. Perks that exemplify his stalwart nature and resolve. अच्छा इन लोग बना भी रहा है, कुछ खराबी भी हो गया है तो इन लोग बना रहा है. Bravery. मतलब बेसिकली यही चीज है. The legend of the knight and Vittorio remains unfinished. Opposing forces bound forever across time and space. ले मार. The age of iron and stone is over, and so begins another, an age of endless fog and those forged within it. ओ पूरा भोग दिया भाई, यहाँ पे तो एकदम ब्रूटल हो गया, यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्रूटल हो गया. Daylight. ठीक ठाक था, मतलब ओके ओके टाइप्स का गेम. आप जाके खरीद भी सकते हैं, ऑलरेडी अवेलेबल हो गया है मार्केट में अगर आपको खेलना है तो. मेरे को तो इतना ज्यादा इंट्रीग नहीं किया तो चलते हैं आगे, देखते हैं आगे वाला गेम में. अब जो हम लोग गेम देख रहे हैं उसका नाम है एंट्रिपिड इजी. ओहो अरे सुपर मारियो वाला फील दे दिया भाई, सुपर मारियो खेलने आ गए क्या हम लोग. अनलॉक ऑसम पावर, बहुत बढ़िया. कॉन्ट्रा वॉन्ट्रा भी खेल रहे हैं क्या भाई, ये तो एकदम एंड्रॉइड गेम वाला जैसा सीन है.
एक्सप्लोर अ वाइब्रेंट वर्ल्ड। वाह, कॉन्ट्रा, सुपर मारियो, जितना भी मारियो ब्रोस, जितना भी गेम है ऐसा वैसा, टेंपल रन, उन सभी का मिक्सचर है ये वाला गेम। आउट December 2nd, मतलब अभी लॉन्च हो चुका है, अगर आपको खेलना है तो आप जाके खरीद सकते हैं। ये गेम है एंग्री बर्ड्स 2, वी आर ऑल फ्री। एंग्री बर्ड्स में इतना सारा स्पेसशिप वगैरह कब से आ गया भाई, ट्रांसफॉर्मर शुरू हो गया ऐसा लग रहा है। तो चेंज आवर सेल्स भाई, ये ट्रांसफॉर्मर्स नहीं आ गया है, ट्रांसफॉर्मर का भी हम ट्रेलर देखे थे, वैसा ही लग रहा है भाई। खतरनाक मशीनरी, एंग्री बर्ड इसमें कहां से आ गया भाई। फील आउट स्ट्रेंथ भाई, ये तो ट्रांसफॉर्मर ही है। फिक्स हो गया इसका सारा हाथ वाथ। टू फाइंड आवर होम, बाप रे बाप, पूरा लगा लिया भाई अपने में दुनिया भर का मिसाइल लॉन्चर सब। वी चूज टू बी पायलट। ओके, अच्छा ये वो वाला नहीं है, वॉर रोबोट्स फ्रंटियर्स नाम था गेम का, समझे। ये वही गेम था ना, हम कंफ्यूज कर गए क्या, ये एंग्री बर्ड्स का ही था ट्रेलर। ये एंग्री बर्ड 2 का ट्रेलर था और जो वॉर रोबोट्स फ्रंटियर है वो ये है, वॉर रोबोट फ्रंटियर्स। ओके, वो एंग्री बर्ड 2 का ट्रेलर नहीं था, वो वॉर रोबोट्स फ्रंटियर्स का ही ट्रेलर था, ठीक है, यहां पे गलती हो गया है। ओ भाई, भाई ये सीन ठीक है यार एकदम। इसको क्या तो बोलते हैं जो ऐसे करके होलोग्राफिक खुल के आता है। ये वाला गेम इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसका नाम मेरे को शायद यहाँ पे नीचे नहीं दिखा रहा है, लेकिन आगे हो सकता है हमारे को देखने को मिलेगा, हो क्या सकता है पता ही चलेगा, आगे देख लेते हैं। भाई भागा है, ये कॉल ऑफ ड्यूटी जैसा गेम है भाई। ये गेम इंटरेस्टिंग है, ये मेरे को इंटरेस्टिंग लग रहा है। और ये हमको लग रहा है इस गेम का नाम है श्रापनेल। नीचे में ये जो दिया हुआ है ना टाइमलाइन, वो गलत इन लोगों ने टैग कर दिया है, जो टाइम स्टैम्प दिया हुआ है।
भाई ड्रोन को बड़ा कर दिया है। ऐसा ही ऐसा ड्रोन आता है। गन्स एंड फाइट्स, फुल ऑन गन्स एंड फाइट्स एंड एक्सप्लोजन्स एंड ग्रेनेड। ओ भाई कैसा तरीके का शील्ड आया, वो बढ़िया था यार। मारा भाई मारा। बहुत अच्छा, ही सर्वाइव। ओ भाई ये खतरनाक था। अरे अरे गिर रहा है इसका वो सामान, गिर रहा। पकड़ो भाई पकड़ो, गिर गया वो भी, कूद ही गया, कूदा नहीं गिर गया। हाँ तो श्रैपनेल इस गेम का नाम था, और आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और जो नेक्स्ट पार्ट है, और भी सारे गेम्स हैं, काफी सारे गेम्स हैं जिसका मैंने वीडियो नहीं बनाया, तो पार्ट वाइज मैं रिकॉर्ड करके दूंगा, बिकॉज अभी मुझे कुछ काम करना है, तो वो काम करना भी जरूरी है जिसके लिए मुझे जाना पड़ेगा। तो इसको लगाता हूं मैं एक्सपोर्ट में और अपलोड करता हूं, तब तक आप लोग देखिए। और उसके बाद जो पार्ट टू है वो आज के दिन ही आएगा, तो पूरा संडे का जो डे है ना वो हमारा रिजर्व रहेगा ट्रेलर्स के लिए ही। जितने भी वीक में गेम्स के लिए ट्रेलर्स निकले हैं उन सभी को हम लोग देखेंगे, रिव्यू करेंगे, और कौन कौन सा गेम्स आने वाला है ये सभी चीज हम लोग जानेंगे। तो पार्ट टू अगर आपको देखना है तो वेट कीजिए, आपके पास आज के आज ही आ जाएगा। और इस वीडियो पे आशा करता हूं आप लोग मुझे लाइक बटन दबा के दोगे, कम से कम 100, कोशिश करो 100 बटन दबवा दो लाइक का, ठीक है। अलग अलग फोन से जाके अपने मामा फूफा चाचा जहां से भी करवाना है करवा दो यार, इससे एंगेजमेंट बढ़ेगा, हमारे चैनल को सपोर्ट मिलेगा। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अब मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में और भी ट्रेलर्स के साथ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार एंड जय हिंद जय भारत।